नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पंजाब एग्रोटेक चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेनफोर्स पंजाब एग्रो का P775 डिलक्स मॉडल थ्रेशर। ये जो थ्रेशर आप देख रहे हैं ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। इस थ्रेशर से आप मक्का और धान को छोड़कर बाकी सभी फसलों की गाही कर सकते हैं। और इस थ्रेशर को चलाने के लिए जो ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 35 HP से ऊपर आप इस पर कोई सा भी ट्रैक्टर लगा सकते हैं। यदि इस थ्रेशर के ड्रम साइज़ की बात करें तो इस थ्रेशर का जो ड्रम साइज़ है वो 32 और 37 इंच में है। और यदि कोई किसान भाई इस थ्रेशर के ड्रम को कस्टमाइज कराना चाहता है तो वो कम ज़्यादा भी करा सकता है। और यदि इस थ्रेशर के टायर की बात करें तो इसमें 6 और 16 के JK के टायर दिए गए हैं। और इस थ्रेशर में जो फीडिंग सिस्टम है वो बेल्ट के थ्रू दिया गया है, पट्टा के थ्रू। इस तरह आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस फीडर हेड में फसल को लगा सकते हैं और फिर इस थ्रेशर से आप अच्छी गाही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी हैवी प्लाईबोर्ड है जिससे इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यदि इस थ्रेशर का जो फीडिंग सिस्टम है इसको देखें तो इसमें ये एक पट्टा दिया गया है, इस तरह इसका ये फीडिंग सिस्टम है। और इस थ्रेशर में ये गेयरबॉक्स दिया गया है जिसमें 4 जॉइंट दिए गए हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया गया है। और इस थ्रेशर में एक टूल बॉक्स दिया गया है जिसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा औजार या टूल को रख सकते हैं। और इस थ्रेशर में जो फैन की क्वांटिटी है वो 3 फैन दिए गए हैं, 1, 2, 3। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक इसमें ये फ्लाई व्हील भी दिया गया है। इस फ्लाई व्हील का जो मेजर बेनिफिट ये है कि इससे जो बैलेंसिंग है काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो थ्रेशर में वाइब्रेशन है वो लगभग 0 के समान है। और यदि हम इस कंपनी की फाउंडेशन के बारे में बात करें तो ये कंपनी थ्रेशर की सेवा अपनी 52 साल से किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड करा रही है। इस कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1970 में हुआ था और 1970 से आज तक किसान भाइयों के लिए अच्छी क्वालिटी के बेस्ट थ्रेशर प्रोवाइड करा रही है। और यदि इसमें एग्जॉस्ट फाउंड की बात करें तो इसमें ये 2 एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं। इनसे भूसा निकलता है और इस जो ओवरऑल अगर हम देखें तो भूसे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकलती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस थ्रेशर में 2 स्टैंड दिए गए हैं दोनों साइड। इस तरह आप थ्रेशर में स्टैंड का यूज़ करके अपने थ्रेशर को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं। और इस थ्रेशर में ये जो हिच दिया गया है वो एडजस्टेबल हिच है, इसमें दोनों साइड होल दिए गए हैं। इनका जो मेज़र बेनिफिट है कि आप हिच की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार थ्रेशर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस थ्रेशर में ये डबल ग्रूव पुल्ली साइज़ दी गई है, इसमें 2 पुल्ली दी गई हैं। इन 2 पुल्ली का जो मेज़र बेनिफिट किसानों के लिए ये है कि आप फसल के अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार RPM को ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये इसका एग्जॉस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें दाना मिलता है, फ्रेश दाना। इसमें ये एक फ़िल्टर दिया गया है लास्ट में। यहाँ पर फाइनली जब फिल्टर क्लीन करने के बाद हमको एकदम फर्स्ट ग्रेड का साफ़ सुथरा दाना मिलता है जिसे आप सीधा मंडी में तोला सकते हैं और इससे किसान भाइयों को उसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं रेनफोर्स पंजाब एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, ये जो कंपनी है वो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के रामपुरा फूल में स्थित है जो कि पंजाब स्टेट में स्थित है। और कोई भी किसान भाई इस रेनफोर्स थ्रेशर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है या इसकी डीलरशिप लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। किसान भाइयों कैसी लगी हमारी वीडियो, यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।